तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं 5 से 6 महीनों में हमने कैसे वेट गेन किया, कम से कम 10 से 15 kg, और क्या डाइट लेते हैं। इसी के लिए आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं, तो आपको दिखाएंगे क्या क्या। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहली चीज़ रहेगी आपका चना। तो हमारे पास है ये चना। चना में होते हैं 100 ग्राम, चने में होते हैं 22 ग्राम प्रोटीन। तो 19 से 20 ग्राम प्रोटीन होते हैं इसमें। तो आप 100 ग्राम चना खाइए, हो गया पहला। उसके बाद अरहर का जूस, इसमें होते हैं आपके 22 से 23 ग्राम प्रोटीन होते हैं सिर्फ 100 ग्राम अरहर की दाल में। तो इसमें है 200 ग्राम, तो आपको मिल गए 44 ग्राम प्रोटीन। मेन इम्पॉर्टेंट है आलू, उबला हुआ आलू, इसको आपको खाना है। इसमें एक आलू में होता है 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, कार्ब्स भी होता है, फैट भी होता है। तो ये अंडा अगर आप लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं तो उबाला हुआ आलू खा सकते हैं। तो कुल अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 3 मील होगा ये। उसके बाद चौथा मील रहेगा आप लोग का रोटी। तो एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है ये भी हम आपको बताएंगे। एक रोटी में होता है 3 से 4 ग्राम प्रोटीन। तो आप अगर 3 से 4 रोटी अगर खाते हैं तो 4 × 16, तो 16 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल जाता है अगर 2 बार खाते हैं। तो कुल मिला के अगर जोड़ा जाए तो 100 से 150 ग्राम प्रोटीन हम डेली खाते हैं, बस ज़्यादा नहीं, बस यही सब खाते हैं। और एक टॉपिक और है कि काफ़ी सारे भाई ये भी खाते हैं और बाहर की भी चीज़ भी, मतलब वो खाते हैं। तो बाहर की चीज़ मत खाइए, क्योंकि हमको हो गया है करीबन 1 साल हो गया है ना, तो चाट, फुल्की, समोसा, नमकीन कुछ भी नहीं खाए। तो कभी कभार चीट भी कर सकते हैं। तो हम 1 महीने पहले चीट किए थे, तो भी 4-5 समोसा ले आकर सब चीज़ खाए थे, लेकिन फिर छोड़ दिए सब कुछ। और आप लोग फिजिक देख ही सकते हैं, वेट गेन हो गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।